हेलो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट एट में हम आपके लिए बहुत लकी वन, बहुत बोनस वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आपको देखकर लगेगा कि यदि आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो आईआईटी मेंस का पेपर्स वालों को इस क्वेश्चन के ऊपर आपको नंबर देने पड़ेंगे। अब बच्चों, क्वेश्चन ये था, क्या द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये आपका सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल आप लोगों ने जो 12th क्लास में किया है, उस तरह ये आपको एक कर्व दे रखा है। इस कर्व के बारे में भी आप लोग जानते हैं और इस लाइन के बारे में तो आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। तो एक सर्कल है जो इनको द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टच द कर्व, जो इन कर्व्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और उसका हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है हमें, उसका हमें रेडियस निकालना है। अब प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वाई, ये जो होता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और फोर है, तो इसका मतलब ये फोर यूनिट ऊपर उठने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके कर्व लेते हैं, और वाई इक्वल टू मोड एक्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स होगी, और एक्स एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जो दूसरी लाइन है वो 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब इसको हम एक एक करके आगे चलते हैं और आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर, और ये जो है आपके चारों सेट्स में क्वेश्चन था, कोड ए में 79 नंबर का क्वेश्चन था, कोड बी में 40 नंबर का था, कोड सी में 38 का था, और कोड डी में 28 का था। और अब बच्चों ये देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और एक्स क्यू टू वाई आपको मालूम है माइनस एक्स क्यू टू वाई का जो कर्व होता है वो इस तरह होता है। अब ये फोर्थ यूनिट जो है आपका ऊपर उठ जाएगा, तो ये जो कर्व है आपका ये आ गया पैराबोला, और ये जो कर्व है आपका है वाई इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और अब ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू, ये आपकी वन है जैसे, तो ये एक लाइन, ये वाई इक्वल टू मोड एक्स की लाइन है, और ये लाइन, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, और इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। अब एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच, लो जी यहां पर देखने वाली बात ये है कि ये जो सर्कल है वो टच कर रहा है, तो ये जो इसके सेंटर हैं इस सर्कल के, वो डेफिनेटली वाई करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि ये जो कर्व है सिमेट्रिकल वाई अबाउट वाई एक्सिस है, ये जो हमारा पैराबोला है, और जो लाइन है वो भी हमारी क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसके लिए डेफिनेटली इसके जो सेंटर हैं वो यहाँ पर वाई एक्सिस पर टच करेंगे। तो इसका मतलब इसका एक सेंटर तो जीरो होने वाला है। अब हमें एक वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, और ये हमारे सर्कल इसको टच कर रहा है, तो आपने टेंजेंट हुआ सर्कल जो है 10th क्लास में किया हुआ है, तो इसके अंदर ये आपको मालूम है ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल जो है आपका 45 डिग्री था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओ ए हम सेंटर मान लेते हैं, तो ओ ए के जीरो के इक्वल मालूम है, और मेन जो हमें पॉइंट चाहिए ओ ए चाहिए, तो ओ ए कैसे निकालेंगे, उसको हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर हम सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करते हैं और उससे हम वैल्यू निकाल पाते हैं। तो ये हमारा आ गया R अपॉन ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू, आप लोगों को मालूम है साइन 45 के इक्वल होता है, तो R अपॉन ओ ए इक्वल टू 1/√2। तो ओ ए जो है हमारे पास √2 आ गया, तो √2 R कह सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास A के आ गए वो हमारे पास 0.√2 R आ गया, और हमें ये चार चॉइसेस दे रखी हैं, तो इन चार चॉइसेस में से कोई ना कोई चॉइस होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें ये कर्व एक दूसरे को क्या कर रहा था, टच कर रहा था, और ये भी आपको मालूम है बच्चों किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। लेकिन जब हम इसको तो हम देखते हैं कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सूट नहीं करती है, और यदि यही क्वेश्चन अब आपका इस तरह होता कि ये वर्टिसेस को टच कर रहा होता, तो तब ये च्वाइस जो हमारी इन चारों में से जाकर मैच होती थी। तो ये आपका हो जाता R प्लस R रूट टू
इज इक्वल टू इसके जो आपके वर्टिसेस थे वो क्या थे 0.4, तो ये 4 हो जाता, तो r इक्वल टू 1+√2/4 और ये r आपका आया था 4/√2+1, इसको हम रैशनलाइज कर सकते थे, और ये 4√2-1, लेकिन ये 2-1 तो 4√2-1, तो ये हमारी जो सेकंड ऑप्शन थी वो हमारा आंसर था। लेकिन यहाँ पर उसने वर्टिसेस को टच करते हुए नहीं कहा कि सिर्फ ये कहा कि ये कर्व जो है टच कर रहा है, और अब हमें यदि आर निकालने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये पॉइंट्स में सपोज h,k ले लेता हूँ और ये पॉइंट्स -h,k, और ये जो इस सर्कल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी x-0² + y-√2r² = r², जब मैं इसको खोलता हूँ तो x² + y² + 2r² और ये माइनस में आएगा -2√2r = r², और ये इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x² + y² - 2√2r + r² = 0, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, और पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है ही y = 4-x². यहाँ से हमने a के कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए थे, और इसके अंदर अब हमें ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका ये दोनों इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे या तो y की वैल्यू रखेंगे या x की वैल्यू रखेंगे, तो जब y की वैल्यू रखेंगे तो क्वाड्रेटिक जो है वो किस में बनेगी, x में बनेगी, और जब x की वैल्यू रखेंगे तो क्वाड्रेटिक जो है वो किस में बनेगी, y में बनेगी, और जब क्वाड्रेटिक x में बनेगी तो जो सम ऑफ द रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे, और उसके अंदर जब y के अंदर बनेगी तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा, क्योंकि ये दोनों रूट्स क्या हैं, k और k क्या हैं, आपस में इक्वल है, तो इसलिए बेटर ये है इसके अंदर हम y की वैल्यू रख देते, x की वैल्यू रख देते हैं, x² = 4-y, तो यहाँ पर मैंने रखा 4-y² + y² - 2√2r + r² = 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये y के अंदर इक्वेशन बन चुकी है 2y² - 8y + 16-2√2r + r² = 0, तो जो r आएगा वो इन चारों में से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इसके अंदर जो उन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उनको इस क्वेश्चन के अंदर IIT को नंबर 4 देने चाहिए, और कोई क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा डिस्कस कर देते हैं बच्चों। ये हमारा पैराबोला था, ये हमारी लाइन थी y = mod x, जो x एक्सिस डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली लाइन 135 डिग्री का एंगल बना रही है, वो कहता है ये सर्कल जो है कर्व्स को टच करता है, कर्व ये भी है और ये भी है, जब कर्व ये टच करता है तो अब हमने आपको अप्रोच बताई कि सबसे पहले हमने इस r की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है, जब भी टेंजेंट गिराते हैं तो OA√2 आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के बाद और पैराबोला को वो टच कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ते हैं, तो उसके अंदर ये भी आपका सिमेट्रिकल है, तो जो इधर h है तो इधर क्या होगा -h, लेकिन हाइट ये सेम रहेगी, यदि आप क्वाड्रेटिक x में बनाएंगे तो उसे सम ऑफ द रूट्स आपका 0 आएगा, अब जब क्वाड्रेटिक y बनाएंगे तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है क्योंकि रूट्स इक्वल हैं इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, तो इसके अंदर हमने y के अंदर क्वाड्रेटिक बनाई, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो वो r जो है इनमें से किसी से के साथ भी मैच नहीं कर रहा, अब यदि जो आंसर दिया गया उसके अंदर ये जो सर्कल है वो जो है आपको वर्टिसेस को टच करता है, तो ये आपका √2r था, ये r था, और ये टोटल हमारा क्या था 4 था वर्टिसेस की लेंथ, तो यहाँ से ये सेकंड अप्रोच आती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हर बच्चे को मार्क्स मिलने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।